मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं रोयाम कुकिंग इंडिया यूट्यूब चैनल से। आज हम स्प्रिंग रोल बनाएंगे। इसके लिए हमें 1 टीस्पून सिरका यानी कि विनेगर चाहिए, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, नमक हसबे ज़रूरत और काली मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून चाहिए। बॉयल चिकन स्टार्ट कर लिया है मैंने, 1 कप है। बंद गोभी यानी कि कैबेज 1 कप है, कैरेट 1 कप और शिमला मिर्च 1/2 कप है। और मैंने स्प्रिंग रोल शीट ली है, ये मेरी होममेड है, आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। और मैदा लिया है 2 to 3 4 टेबलस्पून और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे। और 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है इसको सोते करने के लिए और बाकी ऑयल हमें डीप फ्राइंग के लिए चाहिए। पहले हम ऑयल डालेंगे, इसके बाद इसके अंदर हमें चिकन डाल देना है। इसको थोड़ा सोते करेंगे, फ्लेम हमने हाई ही रखनी है। हाई फ्लेम पे हम बनाएंगे इसको। इसके बाद हम बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। हाई फ्लेम पे बनाएंगे इसको। साथ ही हम इसके सोया सॉस, सॉल्ट, काली मिर्च और सिरका ऐड कर देंगे। तो अब हम हाई फ्लेम पे बना लेंगे, क्योंकि अगर हम स्लो आंच पे बनाएंगे तो क्या होगा कि सब्जियां जो है अपना पानी छोड़ देंगी और उनका क्रंच खत्म हो जाएगा। बस 2 से 3 मिनट आपने इसको सोते करना है हाई फ्लेम, फिर इसको ठंडा कर लेंगे। स्प्रिंग रोल के लिए हमने इस तरह शीट ली स्प्रिंग रोल की, उसके ऊपर हम फिल्म रखेंगे इस तरीके से जितनी आपका दिल चाहे। 2 तरीकों से मैं बताऊंगी, एक इस तरीके से के आप और रख लीजिए। इस तरीके से आप पहले इधर हम पहले लगा लेंगे। ये इसको आप जोर से प्रेस करना है इस तरीके, ठीक है? ये देखिए, अब इसके इन किनारों पे भी हम ये लगा लेंगे और इस तरीके से आपने इसको घुमाते जाना है। ओके, ये देखिए बहुत अच्छा सा आपका ये रोल तैयार हो गया। इसका एक दूसरा मेथड है, वो हम इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से इसको रखा और इसको इस तरह फोल्ड कर दिया, ठीक है? फिर इस तरीके से साइड में उठा के इस तरह फोल्ड कर दिया, घुमाया, घुमाते गए। यहाँ पे हम मैदे की पेस्ट लगा लेंगे, घुमाते गए। ये देखिए, 2 मेथड हैं, आपको जो आसान लगता है आप वो बना लीजिए। अब सारे बना लेते हैं। तमाम स्प्रिंग रोल मैंने तैयार कर लिए हैं आपके। इन चीज़ों में 8 स्प्रिंग रोल बहुत अच्छे से बन जाएंगे, 8 स्प्रिंग रोल शीट लगेंगे। हम इसे फ्राई करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, मैं इसके अंदर रोल डाल दूंगी। आपने मीडियम फ्लेम पे करना है ताकि इसकी पट्टी कच्ची ना रहे, और हाई ज़्यादा फ्लेम पे भी नहीं करना कि एकदम से ऊपर गोल्डन कलर आ जाए और वो जल जाए।
एहतियात से डाले हैं। इन्हें हमने एक से दो मिनट के लिए बस फ्राई करना है। दो मिनट ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारा कलर आ गया है रोल का। अब हम इन्हें स्विच आउट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। हमारे स्प्रिंग रोल फ्राई हो चुके हैं। इसे मैंने कैचअप के साथ सर्व किया है। आप जो उनकी मर्जी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।